दोस्तों, पुनः आज हम आपके बीच मुखातिब हैं और खास करके हम वैसे दोस्तों से कहना चाहेंगे जो बीएड, बीटी या डीएलएड जैसे कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और वैसे दोस्त जो खास करके इन सभी कोर्स के फाइनल ईयर में होंगे। तो देखिए, परीक्षा तो होगा, किस तरह की परीक्षा, जो अगर फाइनल ईयर में है तो उनकी फाइनल एग्जाम होगी, लेकिन इसके बाद इस तरह का कोर्स को आपने कंप्लीट क्यों किया है या फिर इस तरह के कोर्स में एडमिशन क्यों लिया है? एक ही उद्देश्य आपका रहा है, एक ही उद्देश्य में रहा है कि टीचर बनना है, किसी भी तरह से शिक्षक बनना है। तो अगर ये उद्देश्य रहा है तो शिक्षक बनिएगा कैसे? इसके लिए तो भैया जेटेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा पास करना होगा। और अभी के टाइम में अगर लॉकडाउन चल रहा है, हर चीज बंद है, लेकिन हर चीज बंद होने के साथ साथ ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई भी बंद कर देना है। तो पढ़ाई जारी रखना है, पढ़ाई अगर जारी रखिएगा तभी तो आने वाले दिनों में जब टेट की परीक्षा आएगी तब आप लोग बढ़िया से उसमें अंक ला सकते हैं। तो इसीलिए एकदम आप सभी दोस्तों से आग्रह होगा कि आप किसी भी हालत में जे टेट परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम विज्ञापन का इंतजार ना करिए, एकदम विज्ञापन का इंतजार ना करिए, एकदम लग जाइए, पूरी शक्ति के साथ लग जाइए, अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए और लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। तभी जाकर के ये सीटेट जब होगा, जेटेट जब होगा तो बहुत अच्छा अंक आएगा। देखिए, सरकार का नियमावली कब पास होगा, कब नहीं पास होगा, इसका तो कहना अभी उचित नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जेटेट के नंबर में आपका अगर अंक ज्यादा है तो वहां नियुक्ति के समय आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए अंक आपको ज्यादा से ज्यादा लाना है, इसीलिए यहां पर बहुत तरह की बातें आएंगी, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि अन्य राज्यों की भी बात अगर करते हैं तो परीक्षा के कुछ पैटर्न में बदलाव हो रहा है, इसके पीछे कुछ रीजंस है। क्या रीजन है कि कहीं कहीं देखा जा रहा है कि शिक्षा नियमावलियों में कुछ कुछ बदलाव हो रहा है कुछ कुछ राज्यों में, तो उन राज्यों में नई नई बातों को जोड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ बताते चले कि पूरे भारतवर्ष में नई शिक्षा नीति 2020 को आना था, परंतु ये लॉकडाउन के कारण लगा नहीं। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब भी नई शिक्षा नीति आएगी और उसमें बहुत सारी बातों को नए रूप से लाया गया है, और खास करके एक चीज पर बहुत जोर दिया गया है, वो क्या है? लर्निंग आउटकम्स, सीखने का प्रतिफल। तो हो सकता है जो आने वाला परीक्षा होगा, चाहे वो जेटेट का परीक्षा हो चाहे वो सीटेट का परीक्षा हो, तो निश्चित रूप से इस बात पर एकदम ध्यान दीजिए, लर्निंग आउटकम्स, इस पर प्रश्न रहेंगे, इस पर क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो इस पर हमें फोकस करना है, इस पर हमें काम करना है। तो इस पर अगर काम करना है तो लर्निंग आउटकम्स का जो विधि रहेगा, कैसे प्राप्त किया जाएगा, किस तरह से लर्निंग आउटकम्स आएगा, इसका मुख्य पॉइंट कहां से आएगा, तो हमारा बाल मनोविज्ञान से आएगा, या फिर अन्य सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम कहां से आएगा, तो उसके कुछ सिद्धांत इधर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स पर भी हमें जोर देना है। इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स है क्या, इस पर भी अगर हम जोर कर देना चाहें तो वो है अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू क्लास लर्निंग आउटकम्स। तो एज के अनुसार, उम्र के अनुसार, वह किस वर्ग कक्ष में है, उस समय उसका क्या जानकारी होना चाहिए, उसको क्या जानना चाहिए, उसको क्या सीखना चाहिए, उसी को तो कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। तो हो सकता है आने वाले परीक्षाओं में आपको इन सभी बातों से मुखातिब होना पड़ेगा, इन सभी शब्दों से, इन सभी बातों से आपको प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, तो दोस्तों, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे वो जेटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे बीटेट हो, कोई भी हो, इन सभी में एकदम आने वाले जो प्रश्न होंगे, तो किस प्रकार के प्रश्न होंगे, वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इन सभी टेट एग्जाम में, तो देखिए एकदम अच्छा से जान लीजिए, एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कोई भी टेट का परीक्षा होता है तो इस बात का आकलन नहीं करता कि आप कितना ज्यादा जानकार हैं, कितना ज्यादा आप बुद्धिमान हैं। वह एग्जाम इस बात का ज्यादा आपका एग्जाम लेना चाहता है कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा अनुभवी हैं, आप किस तरह से विद्यालय में
बच्चों के बीच जाकर के परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये सब चीज का वो एग्जाम लेता है, ये सब चीज का वो जानकारी लेना चाहता है इन सभी एग्जाम के माध्यम से। जितने भी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होते हैं, यह मुख्य रूप से इस बात पर ही आधारित होते हैं कि आप किस प्रकार से कक्षा में टीचिंग के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया के समय लर्निंग आउटकम्स को आप कैसे अचीव करते हैं। तो मैटर आ गया क्या कि लर्निंग आउटकम्स को आप कैसे अचीव करते हैं। तो इस चीज की खास तौर पे इसी चीज का जानकारी ये टेट एग्जाम लेते हैं, आपके अनुभव की जानकारी लेना चाहते हैं। वही देखिए कि दूसरे ओर झारखंड सहित देश के अन्य सभी राज्यों में देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है कि पूरे देश में जो ये टेट का एग्जाम होता है तो कौन लोग बाजी मार ले रहा है पता है? एकदम इसका एक आप खुद में सर्वे कर सकते हैं। झारखंड सहित देश के किसी भी राज्य का आप देख लीजिए, इसमें बाजी मारने वाले सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या है ग्रामीण छात्रों की। तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, यहाँ पर ग्रामीण छात्र बाजी मार लेते हैं, टेट का एग्जाम वो अच्छा से पास कर जाते हैं, लेकिन जो अर्बन छात्र होते हैं, जो शहरी छात्र होते हैं, वो टेट एग्जाम में कुछ परसेंटेज ऐसा है जो चूक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है आखिर ऐसा? इसका मुख्य वजह है जो टेट जैसी परीक्षाएं जो होती है, सीटेट जैसी परीक्षाएं जो होती है, जेटेट की जो परीक्षा होती है, चाहे वो कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, ये सभी पात्रता परीक्षाएं अंतिम पायदान में खड़े बच्चों पर ही केंद्रित होते हैं। अब यहां एक शब्द आ गया, अंतिम पायदान, अंतिम पायदान में खड़े बच्चों पर केंद्रित होता है, दैट मीन्स एकदम ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन पर केंद्रित है, जो एकदम जंगली एरिया में निवास करते हैं उन पर केंद्रित होकर के ये सारी परीक्षाएं होती हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों को आप तक लाया जाता है। तो स्टडी तो करना होगा, एकदम स्टडी के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने अनुभव को बढ़ाना होगा, अपनी जानकारी के साथ साथ अपने अनुभवों को बढ़ाना होगा। और ये परीक्षाएं पुनः हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपके बहुत ज्यादा जानकारी का आकलन नहीं करता है, ये आपके अनुभवों का जानकारी लेना चाहता है, आप कितने व्यवहार कुशल हैं इसकी जानकारी लेना चाहता है। तो दोस्तों फिर से हम एकदम जो है से आपसे एकदम आग्रह कर रहे हैं कि एकदम परीक्षा तैयारी में लग जाइए, लेट लतीफी एकदम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि अभी आपको लग रहा है कि परीक्षा का न डेट आया है, न कोई नोटिफिकेशन आया है, न विज्ञापन आया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे दोस्त हैं जो जब तक विज्ञापन आएगा नहीं, नोटिफिकेशन आएगा नहीं, तब तक हो सकता है किताबों नहीं एक आध को पकड़ेंगे। तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, टीचर का तैयारी करना है, जेटेट का तैयारी करना है, सीटेट का अगर तैयारी करना है तो आपको पहले से एकदम लग जाना होगा। अभी लग रहा है कि 2 महीना टाइम लगेगा, 1 महीना टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीना भी टाइम लगेगा, जब तक लॉकडाउन कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि अभी लग रहा है नहीं आएगा, अचानक से कभी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस परिस्थिति में क्या होता है, आपका रेगुलर तैयारी नहीं हो पाएगा, आप उसके लिए तैयार नहीं रहिएगा। तो कभी आप सोशल साइंस पढ़िएगा, कभी बाल मनोविज्ञान पढ़िएगा, कि हिंदी ग्रामर पढ़िएगा, कि अंग्रेजी ग्रामर पढ़िएगा, कि खोरटा पढ़िएगा, कि नागपुरी पढ़िएगा, बेचैनी बढ़ जाएगा, बहुत तरह का सब्जेक्ट का परीक्षा लेगा। एकदम कहा भी गया है, कभी कभी सुने भी होंगे कि आईएएस का परीक्षा पास करना आसान है लेकिन टीचर का परीक्षा पास करना टफ है। तो उसके लिए तो आपको लगना होगा, एकदम लग जाइए। और आपको हम यही रिक्वेस्टली कहना चाहेंगे कि इसलिए कहना चाहेंगे कि आज के डेट में पूरे भारत में शिक्षा नीति बदल रही है, आपका प्रश्न कहीं से भी आ सकता है और आप सभी को अच्छा जानकारी है। क्या आपको भली भांति जानकारी होगा कि अभी पूरे भारत में, पूरा भारत में एक ट्रेनिंग चली है, उसका नाम है निष्ठा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा। और निष्ठा है क्या, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा टीचर्स ट्रेनिंग चला जिसमें 12 मॉड्यूल पर काम किया गया है, और उसमें भी 12 मॉड्यूल पर भी काम किया गया तो 2 नए चीजों को इसमें समेकित किया गया है। 2 नया चीज क्या है जान रहे, 2 नया चीज है, कला समेकित शिक्षा और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, इन दोनों चीजों को जोड़ा गया है।
12 मॉड्यूल आए हैं, दो दो नए नए चीज आए हैं, तो प्रश्न आने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में इन सभी से रहेंगे, तो तैयारी पूरा करना होगा। और तैयारी पूरा करने के लिए आपको अभी से एकदम लग जाना है, समय का एकदम इंतजार नहीं कीजिए, एकदम लग जाइए। और हम इसलिए आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अब धीरे 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 क्या हो रहा है कि प्रश्नों का जो क्वालिटीज होता है वो धीरे धीरे थोड़ा और उच्च करते चला जा रहा है, तो अध्ययन भी जरूरी है, तो अध्ययन के लिए समय की आवश्यकता है, तो पहले से लग जाएंगे तो और बेहतर होगा। तो हमारे क्लासेस जो है, जो हमारा चैनल है इंडिया जॉब अलर्ट, इस पर आ रहा है, और इससे में और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस को लेकर के आए, और आपसे आग्रह करेंगे कि आपकी समस्या कहाँ पर है। अगर आपकी कहीं समस्या है, किसी विषय वस्तु में समस्या है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे और हमारी टीम कोशिश करेगी कि उन समस्याओं का समाधान हम लाने का भी प्रयास करेंगे। तो अंत में चलते चलते आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाने का कार्य करें। साथियों, आज हम आपसे इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहेंगे कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ ले अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। धन्यवाद।